वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तिरामिसू, बट हम फिंगर बिस्किट्स की जगह आज ये बटर टोस्ट यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे, इसमें हम डालेंगे कॉफी, आप कोई भी कॉफी यूज कर सकते हैं। इसे एक अच्छा मिक्स देंगे। चीज हमें यहाँ याद रखनी है कि हमें ये रूम टेम्परेचर पे ही डाइल्यूट करना है, मतलब हमारा जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। अब हम वन बाय वन इसमें ये टोस्ट डिप करेंगे और हमारे डिश में से प्लेस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग तिरामिसू बनेगा आपका, बहुत ही इजी है, तो जरूर इसे ट्राई करें। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारे टोस्ट सेट हो चुके हैं अच्छे से। ये जो साइड में स्पेस थी मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया है। अब हमें चाहिए व्हिप क्रीम। तो हमारी व्हिप क्रीम एकदम तैयार है। अब इसमें हमें डालना है मास्कारपोन चीज। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्रीम चीज भी यूज कर सकते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ही। ये हम इसमें पोर करेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमें क्रीम इसमें पोर करनी है और अच्छे से स्प्रेड करना है। हमारी सेकेंड लेयर भी एकदम अच्छे से हम लोगों ने लगा दी है क्रीम और मास्कारपोन चीज का। थर्ड हम डालेंगे इसमें अब मैंने कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट मिक्स करा है। आप चाहे तो थोड़ा कॉफी भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी कॉफी इसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रखा ही है तो मैं तो यही डाल रही हूँ। ये हमें इसमें डस्ट करना है। वापस से हमें हमारे बटर टोस्ट लेने हैं, डिप करना है और लगा देना है। सिंपल। हमारी टोस्ट की लेयर एकदम रेडी है। नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं इसमें, मैंने एक नोजल लिया है ओपन स्टार। अब क्रीम थोड़ा सा अलग तरीके से हम लगाएंगे। ये जो क्रीम है इसमें हम पोर करेंगे, थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब हम इसमें इस तरीके से क्रीम लगाएंगे। आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, बट अगर आपके पास नोजल है तो ये और भी अच्छा लगेगा। नोजल नहीं भी है तो आप सीधा पाइपिंग बैग में डाल के भी ऐसे बना सकते हैं, बस आपका थोड़ा डिज़ाइन नहीं आएगा बट ड्रॉप्स तो आ ही जाएंगे। गाइज हमने अच्छे से पाइपिंग कर ली है इसकी, क्रीम लगा दी है। अब इसमें जो मैंने ये कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट जो मिक्स करा हुआ था, से हमें स्लाइटली
डस्ट करना है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, जितना ये दिखने में अमेजिंग है उतना ही टेस्ट में भी अमेजिंग है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। गाइस हमारा तिरामिसू एकदम रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ये। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही हूँ, बट हमें इसे फ्रीज करना है फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours। बड़ा डिफिकल्ट काम है ये, बट करना तो पड़ेगा, उसके बाद हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।